अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सैंडविच थ्योरम क्या होगा। सिंपली मैं इसको डिफाइन करूं अगर कि मेरे पास क्या है कि इफ एन एक सीक्वेंस ए एन है, दूसरा बी एन है, तीसरा मेरे पास क्या है सी एन, तो आर सीक्वेंसेस और जो इनकी टर्म्स हैं ना वो क्या है ए एन लेस देन इक्वल टू है बी एन लेस देन इक्वल क्या है सी एन के, फॉर एवरी एन का मतलब क्या है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू फॉर एवरी एन डॉट। कब होगा जब इफ, अच्छा ये चीज़ हमारे पास होगी। अब रिजल्ट पे आते हैं कि अगर मेरे पास लिमिट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की, जो मेरे पास लिमिट है वो एल है, और इसी तरह जो मेरे पास इसी इक्वल टू लिख देते हैं लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन की भी लिमिट हमारे पास क्या है एल है। अब देखें ए और सी के दरमियान बी है ना, ए इसकी लिमिट भी एल है, इसकी लिमिट सी की भी एल है, तो देन इस थ्योरम के रिजल्ट के मुताबिक लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन विल बी इक्वल टू एल। अब हम इसको एलेबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल होगी, कि मैं क्वेश्चन को अवेलेबल करूंगा कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मैं देखूंगा कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा इसका एक इमीडिएट रिजल्ट हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास जो बी एन है ना ये लेस देन किससे है इक्वल टू सी एन, और जो मेरे पास सी एन है इसकी जो लिमिट है वो किसको अप्रोच करती है ज़ीरो को, तो बी एन की लिमिट भी किसको अप्रोच करेगी ज़ीरो को। मतलब ये इस तरह है ना, हमारे पास सी एन लेस एन इक्वल टू बी एन लेस एन इक्वल टू, ये मॉड है ना इसका मतलब इस तरह होगा, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा सी एन। इसको हम एग्जांपल में भी देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास है क्या। अच्छा एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वेयर एन है और नीचे हमारे पास क्या है 3 रेज टू द पावर n है इस तरह। ओके अब कॉज पे आ जाते हैं, कॉज का मुझे पता है कि वो हमारे पास 1 से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, मतलब 1 मैक्सिमम उसकी वैल्यू होती है, और ये स्क्वायर आ रहा है तो ये -1 तो हो नहीं सकता, माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल होगा कॉज स्क्वायर एन, और ये क्या होगा लेस देन 1, ये ऊपर वाले का मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो इसी चीज़ को अगर मैं इस तरह कर दूँ कि 0 लेस देन कॉज स्क्वेयर एन ओवर 3 रेज टू द पावर n, इधर भी 3 रेज टू द पावर n कर दें, बेशक इधर भी कर दें 1 ओवर 3 रेज टू द पावर n, तो ये मेरे पास क्या हो गया 0 लेस देन इक्वल टू कॉज स्क्वेयर एन ओवर क्या होगा मेरे पास 3 n लेस देन क्या होगा हमारे पास 1 ओवर 3 ये n हो गया। ओके अब जो हमारे पास 1 ओवर 3 n है इसकी लिमिट मैं अगर देखूं कि लिमिट ऑफ 1 ओवर 3 रेज टू द पावर n ये क्या होगी मेरे पास, तो इसको मैं सिंपली ये लिख सकता हूं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ना 1 ओवर 3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगी n, तो ये मेरे पास कौन सा सीक्वेंस बन रहा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास जो r है वो क्या होगा। ओके मैं इसको अगर लिख दूँ 0, क्यों लिखा है देखें आर की वैल्यू मेरे पास इसमें क्या है 1 ओवर 3। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम देखेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अभी नहीं देखेंगे। अभी फार्मूला मैंने कौन सा लगाया, ये हमने पीछे जब थ्योरम किया था लिमिट के रिलेटेड तो उसमें था हमारे पास, ये देखें लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी आर की पावर एन 0 कब होगी जब आर हमारे पास उसका मॉड लेस देन 1 होगा, इसी थ्योरम को जहन में रखें इस ऊपर वाले रिजल्ट को। तो ये देखें ये आर है,
आर हमारे पास क्या है, 1/3, और ये क्या है, लेस देन 1। अगर आर जो है हमारे पास लेस देन 1 हो तो हमारे पास इस पूरे की लिमिट क्या होगी, 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि इसकी जो मेरे पास वो बनी है, क्या थी हमारे पास लिमिट, वो क्या बनी है, 0। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि इसकी ये भी 0, ये भी 0, तो लिमिट ऑफ हमारे पास जो है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कॉस स्क्वायर एन ओवर 3 n इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। किससे, बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ सैंडविच थ्योरम। दूसरे नंबर पे एग्जांपल में अगर लूँ तो मेरे पास है, अगर देखूँ कि कॉस मैं लेता हूँ n ओवर n, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/n लेस देन इक्वल टू कॉस, पहले इसको इस तरह लिख लें कि कॉस की वैल्यू किसके दरमियान होती है, कॉस ऑफ n लेस देन इक्वल टू 1। इस तरह इसको मैं अगर 1/ ये 1 कर दूँ, लेस देन इक्वल टू कॉस n, क्योंकि इधर n नीचे आ रहे हैं इसलिए हमने n से डिवाइड कर दिया, लेस देन इक्वल टू 1/n। अब देखें 1/n माइनस का हो तो ये -0 को अप्रोच करेगा, और ये हमारे पास प्लस का है तो +0 को अप्रोच करेगा, मतलब ये इसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास, कॉस ऑफ n ओवर n। इधर लिमिट बेशक लिख दें, लिमिट हमने इस पे तो अप्लाई कर दी ना, ये भी 0 हो गया, तो बाय अप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ सैंडविच थ्योरम, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ n ओवर n हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमने रिमेंबर रखना है, हमारे पास रिमेंबर कर लेना है। तीसरे नंबर पे एग्जांपल मेरे पास है 1/2 raised to the power n, ये क्या होगा। तो सिंपली अगर मैं देखूं कि मेरे पास इस रिजल्ट को देखूं, 0 < 1/2 raised to the power n और < क्या है, 1/n। इसको सिंपली अगर ये हम सैंडविच थ्योरम ना ही लगाए ना, वही जो पीछे अभी हमने थ्योरम इस 1/3 पे लगाया था वही लगा लें, तब भी इसकी लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2, इसको इस तरह लिख लें, इज इक्वल क्या हो जाएगी, 0। तो ये तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है। इसी तरह फोर एग्जाम्पल में अगर आता हूँ कि मेरे पास -1 इसकी पावर क्या है, n है, और 1/ क्या है, n, तो इसकी लिमिट किसको अप्रोच करेगी। तो सिंपली मेरे पास मैं वही लिख सकता हूँ, 1/n माइनस का लेस देन -1 की पावर n, 1/n हो गया हमारे पास, और ये 1/n, ये भी 0 को अप्रोच करता है, ये भी 0 को, तो ये भी हमारे पास किसको अप्रोच करेगा, 0 को। मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 raised to the power n 1/n इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारे पास रिजल्ट, और ये कंप्लीट हो गया हमारे पास के सैंडविच थ्योरम क्या होगा।